Thank you.
ठीक है चलो समझ लो सर अभी यह हालत क्या है? अभी जैसे कि हम दोपहर से ही पहुंचने के बाद में ऑपरेशन को लॉन्च किए हैं, तो 3 व्यक्ति यहाँ पे मिसिंग हैं और हमारी जो NDRF की 2J टीम है कलकत्ता की, वो लगातार सर्च एंड रेस्ट ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। लगातार अभी डीप डाइवर्स का भी हम इस्तेमाल यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। जैसे ही डीप डाइवर्स सक्सेस होंगे वो उसको सर्च करेंगे, जल्दी रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। जिसे 40 hours ओवरकम हो गया है, मैंने 14 घंटा पेरिए गए थे ऑलरेडी, 14 घंटा पार हो गया, अभी तो बॉडी नहीं मिल रहा है या? हाँ, हमें जो सिविल प्रशासन से जो मतलब ये सूचना मिली है कि जैसे हाई टाइड की वजह से ये लोग सुबह जैसे ये बोट कैप्साइज हुई है, उसके बाद में हम लोकल गाइड जो उस बोट में मौजूद थे व्यक्ति, उनको साथ में मिलके हम लोग वहाँ पे डीप डाइवर के द्वारा हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और जल्दी ही हमारी टीम उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेगी। हम लोग आप रेस्क्यू में गए थे, क्या हालत है? हाँ, रेस्क्यू में हम पूरा बड़े बड़े बोट हैं और जो उस नया चारा तक हम लोग ये पूरा किनारे को इस पार से उस पार तक हमने एक लाइन सर्च जो मेथड होता है हमारा, उसके द्वारा हमने लाइन सर्च को यहाँ पे अंजाम दिया है। साथ ही डीप डाइवर्स के द्वारा भी रेस्क्यू किया है और लगातार जारी है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर भंवर सिंह, टीम 2J टीम कमांडर। धन्यवाद। मीडिया से मीडिया यूट्यूबर से रिपोर्ट दे दीजिएगा। लक्ष्मण दास साहब बोल रहे हैं।